अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले के घर जाता। मारे भाई की मौत मैदान में हुई। इस वीडियो में बात करेंगे विद्यातम जानवाल की एक न्यू मूवी क्रैक, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया। ये मूवी 23 फरवरी को इंडियन सिनेमा में देखने को मिलेगी। इसमें आपको विद्यातम जानवाल, अर्जुन रामपाल, नूरे फतेह, जैकलिन फ्रेंडस, काफी बड़े बड़े एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ, अगर इसकी बात करें, इसमें कहानी दिखाई गई कि मुंबई के दो भाइयों की, स्लम्स में रहने वाले दो आम से भाई जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। विद्यातम जानवाल का भाई जो कि खतरनाक स्क्विड गेम में हिस्सा लेता है, लेकिन वहां जाके उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। जो हमारा हीरो यानी कि विद्यातम जानवाल अपने भाई का पता लगाना चाहता है कि उसके साथ हुआ क्या है, वो भी उस खतरनाक स्क्विड गेम में हिस्सा लेता है। फिर शुरू होता है इस मूवी का थ्रिलर। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद यही समझ आता है कि इस मूवी की कहानी क्या होने वाली है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे संजय दत्त की वो मूवी याद आ जाती है लक, जिसके अंदर काफी सारे लोगों को पैसा दे के बुलाया जाता है, खतरनाक गेम खिलाए जाते हैं, उनका लक जमाया जाता है। ये भी मूवी उसी तरह के होने वाली है। इसका ट्रेलर एकदम मस्त है और इसमें स्टंट और जो विजुअल दिखाएंगे वो काफी कमाल के। इस मूवी के स्टंट इंटरनेशनल मूवी के स्टंट की तरह है, क्योंकि इतने खतरनाक स्टंट मैंने आज से पहले इंडियन मूवीज में नहीं देखे। एक्शन और थ्रिलर से भरी मूवी होने वाली है, जिसके अंदर विद्यातम जानवाल को सामना करना होगा अर्जुन रामपाल का, जो कि काफी टफ कंपटीशन है। पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगा कैसे एक भाई अपने दूसरे भाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि इस मूवी का एक ही रूल है, जीतो या मरो, क्योंकि इसमें हारने वाला कोई रूल ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस मूवी में कौन कौन से खतरनाक खेल और क्या विद्यातम जानवाल अपने भाई का पता लगा पाएगा कि नहीं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे तो इस मूवी का ट्रेलर काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो VFX CGI का यूज हुआ है, जो स्टंट दिखाए गए हैं, काफी कमाल के। ये एक्शन से भरी मूवी होने वाली है। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देख लिया तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये मूवी का ट्रेलर कैसा लगा है। मूवी काफी अच्छी होने वाली है और 23 फरवरी को इंडियन सिनेमा में रिलीज होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।